इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते हुए स्कैटर प्लॉट्स एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, हमें दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी सिनेरियो कंसीडर कर लें, यहाँ मैं कहती हूँ ये एडवर्टाइजिंग है, ये सेल्स है, ये थाउजेंड्स में सपोज फिगर है हमारी, कि अगर मैं 10,000 एडवर्टाइजिंग में लगाती हूँ तो सेल्स है हमारी 40,000। सिमिलरली अगर मैं 30,000 एडवर्टाइजिंग में लगाती हूँ तो सेल्स हो जाएगी 60,000 एंड सो ऑन। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे आपका एक्स कोऑर्डिनेट्स बढ़ रहा है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा भी आपके साथ इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब पहले स्कैटर प्लॉट बना के मैं आपको बताती हूँ। ये हमने डाटा सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे ये ग्रुप है आपके पास, चार्ट्स ग्रुप, इसमें आपने यहाँ क्लिक कर दें, यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन आएंगी। हमें ये डॉट लेते हैं इस वक्त, तो हमने डॉट ले लिया, राइट। अब क्या है, यहाँ पे आप अपना टाइटल भी लिख सकते हैं अगर कंपैरिजन करना है अपने एडवर्टाइजिंग वर्सेस सेल्स, व्हाटएवर। ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले बता चुकी हूँ हम लेबल्स, चार्ट्स, लेजेंड्स कैसे लगाते हैं। हमारा मकसद है इस वक्त कि हम कैसे ये अपने चार्ट को देखें, स्कैटर प्लॉट्स कैसे बनाएं। अगर हम ये सारे पॉइंट्स अब आप ज्वाइन करके देखें, तो ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट, ये दो पॉइंट एक लाइन पे नहीं आएंगे, राइट। ये आपके पास लाइन पे नहीं आएंगे, इट मींस, लेकिन ये है कि ये लाइन आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे जैसे सेल्स बढ़ रही है, सॉरी, एडवर्टाइजिंग इंक्रीज हो रही है, आपकी सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन रिलेशन क्या बताया था मैंने आपको, कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का होता है, रेंज होती है -1 to +1, राइट। ये रेंज है हमारे पास, तो ये पॉजिटिव वन तो है, ऊपर तो जा रहा है, लेकिन ये दो पॉइंट, ये वाले पॉइंट लाइन पे नहीं आ रहे। इट मींस कि ये पॉजिटिव वन से थोड़ा सा कम है इसका कोरिलेशन। अब कितना है कोरिलेशन, कहाँ पे इसके आपने आउटपुट लेनी है, सपोज मैंने यहाँ लेनी है, यहाँ क्लिक कर दूंगी, आपने फिर फॉर्मूलास पे जाना है, यहाँ से आपने मोर फंक्शन पे, स्टेटिस्टिकल पे जाके, यहाँ से आपने ये कोरिलेशन का, CORRELL कोरिलेशन के लिए है, इस पे क्लिक कर दे, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये है अरे वन और अरे टू। अरे वन में क्या लिखना है आपने, अरे वन में जो आपके पास एक्स एक्सिस के आइटम्स हैं उस पे क्लिक, उसको सिलेक्ट कर लें, ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। अरे टू पे जाएं, यहाँ से आपने सेकंड को, डिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट किया और आपने ओके क्लिक किया। इट मींस, इसको बोल्ड करते हैं ताकि आपको नजर आ जाए, 0.958 यानी 0.95 कोरिलेशन है इसकी। पॉजिटिव वन नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि ये दो तीन पॉइंट लाइन पे नहीं आएंगे, तो इसलिए इट मींस इसकी कोरिलेशन है 0.95। सो इजी हो गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं। अगेन मैंने ये दो वेरिएबल्स लिए हैं, सपोज ये मैंने कह दिया कि एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर आपने एक दिन एब्सेंट किया है स्कूल से तो आपके 90% ग्रेड आएगा, अगर 3 डेज आपने एब्सेंट किए हैं तो 80% रिजल्ट आएगा, एंड सो ऑन। जैसे जैसे एक वेरिएबल आपका इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। इस केस में हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन है। सेलेक्ट करें डाटा को, कैसे बनाएंगे ग्राफ, इंसर्ट पे गए, चार्ट्स पे गए, ये हमारे पास ग्राफ बन गया, राइट। अगर हम इस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो देखिए लाइन तो नीचे की तरफ आएगी, लेकिन एक ये पॉइंट जो है ये लाइन पे नहीं आएंगे, तो क्या होगा। अब इसके लिए क्या कोरिलेशन है, ये तो आइडिया हो गया कि नीचे आ रही है लाइन, आपका एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, दूसरा आपका डिक्रीज हो रहा है, अगर एक इंक्रीज है तो दूसरा डिक्रीज है, लेकिन कोरिलेशन क्या है दोनों में, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने फॉर्मूलास पे जाना है, यहाँ से मोर फंक्शन और स्टेटिस्टिकल पे जाके आपने क्या फाइंड करना है, कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। ये आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अरे वन में एक्स एक्सिस के आइटम सेलेक्ट कर लें, राइट, क्लिक करें अरे टू पे, सेकंड आपने डिपेंडेंट वेरिएबल क्लिक कर लिया और आप इसको रन करवा दें। इट मींस 0.99 कोरिलेशन है, क्योंकि देखें ये लाइन पे आएंगे लेकिन ये बहुत क्लोज होंगे, ये दो टच नहीं करेंगे लेकिन बहुत क्लोज है, तो -1 यानी हम -1 कोरिलेशन नहीं कहेंगे, -0.99 कोरिलेशन है। इसमें आपने राउंड नहीं करना, बस -99 आप कहते हैं, ये कोरिलेशन है, राइट। तो हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते हुए आप कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप स्कैटर प्लॉट कैसे बना सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।